में हम जानने वाले हैं कि इजिप्ट में सोने का शहर पाया गया है और वहाँ पर क्या क्या पाया गया है और वहाँ पर बहुत अलग अलग और गजब प्रकार की चीज़ें पाई गई हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत और इसकी खुदाई सितंबर 2020 से शुरू हुई थी। वहाँ पर कई दीवारों के मकान मिले हैं और कई चीज़ें मिली हैं और वहाँ पर गायों के अवशेष भी मिले हैं। एक कंकाल मिला है जो एक हथियार के साथ था और उसके पैर रस्सी से बंधे हुए के साउथ एरिया में एक बेकरी की मशीन मिली है और कई बर्तन मिले हैं मिट्टी के। तो इससे तो यही पता चलता है कि वह कितने एडवांस थे। इतने साल पहले भी वह इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। इस लॉस्ट गोल्डन सिटी की घोषणा 8 अप्रैल 2021 थर्सडे को की गई थी। नील नदी के बारे में तो सब जानते ही हैं और यह शहर नील नदी के वेस्ट पार्ट में पाया गया है। मेडिनेट हूप रेमेसिस राजा मंदिर यहाँ पर है और कई अनेक चीज़ें घूमने लायक हैं यहाँ। यह शहर असल में ढूंढा नहीं गया है, यह गलती से मिल चुका है और आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा असल में तो यह राजा की मोचरी मंदिर तूतनखामन को ढूंढना चाहते थे, इसलिए खुदाई वहाँ पर चालू थी। तूतनखामन की मम्मी 1922 में पाई गई थी, इसलिए वह स्थान पर खजाना पाया गया था। अगर आपको तूतनखामन के बारे में भी जानना है तो कमेंट कीजिए नीचे। यह राजा बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीज़ें करता था, उसके बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नीचे। तूतनखामन की कब्र को 100 साल हो चुके हैं और यही 100 साल बाद में ही सोने का शहर पाया गया है। दुनिया की 4 सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हैं जो नदी के किनारे ही बसी हैं। पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरी है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तीसरी है इजिप्ट सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, और चौथी है चाइनीज सिविलाइजेशन। अगर आपको इन सिविलाइजेशन के बारे में भी जानना है तो कमेंट कीजिए नीचे। कई गजब फैक्ट्स हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इजिप्शियन में 3 किंगडम्स थे, ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम, और ज़्यादातर पिरामिड्स मिडिल किंगडम में ही बने थे। सोने के शहर में कई कमरे मिले हैं और बर्तन मिले हैं, चम्मच गमले मिले हैं, वाइन की बोतलें मिली हैं। 3000 साल से यह चीज़ें खराब नहीं हुई, वैसी की वैसी ही हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क आया है। और मिट्टी के ईंट एमेनोहोटप 3rd तूतनखामन के दादा थे और इन ईंटों पर एमेनोहोटप 3rd की छाप मिली है। इजिप्ट के राजाओं को फेरोस भी बोलते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल काम ज़्यादा होते थे और यहाँ पर बहुत एडवांस चीज़ें होती थी। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा मिला है जो सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो और बहुत कुछ ढूंढना है आर्कोलॉजिस्ट को वहाँ पर। और यहाँ पर कई प्रकार के गहने भी मिले हैं और यह शहर गोल्डन सिटी एमेनोटॉप 3rd ने बनाया था। तूतनखामन और उसके लोगों ने इस जगह को इस्तेमाल किया और इसलिए वह गोल्डन एरा ऑफ इजिप्ट कहा जाता था और इसी कारण उस जगह का नाम लॉस्ट गोल्डन सिटी रखा गया। ऐसी कई चीज़ें मिली हैं जिससे गिलास बनाया जाता था। साउथ पार्ट को ही अभी तक खोजा गया है और नॉर्थ पार्ट अभी तक बाकी। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट कीजिए नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।